मॉर्निंग और हो गई ये सुबह, क्या फॉग है यार। और ये रहा मेरा नाश्ता, मैं करूँगा ट्रेन का नाश्ता, ऑमलेट एंड ब्रेड, मज़ा आ गया। और हम पहुँच गए दिल्ली। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और हम फिर पहुंच गए हैं दिल्ली, और इस बार हम दिल्ली में नहीं रुकेंगे, इस बार हम जा रहे हैं पटियाला काम से। तो इस बार मैंने ज़्यादा ट्रेन का वीडियो नहीं बनाया, मैंने क्या आपको पकाऊं रोज़ बोल करूं, इसने बनाया नहीं, आप नहीं पकोगे। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर दिल्ली पहुँच गए हैं, टैक्सी में सामान आ गया, दूसरी टैक्सी अभी आ रही है, वो गलत गेट पर चली गई थी। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, कुछ नाश्ता करोगी? हाँ, ड्राइवर भैया वही है जो हमको शिमला के वक्त लेके आए थे, लेके आए थे वापस, और उन्होंने बताया कि यहाँ शिवा ढाबा रास्ते में आने वाला है, तो वहीं रुकेंगे। और ये देखिए, एज यूजुअल मैडम जो है वो सो गई हैं, और यहाँ पे देखिए अंकित कैसे झूलते हुए सो रहा है। चलो शिवा ढाबा फेवरेट, शिवा ढाबा की चाय। तू भी क्या सोया है अबे, ऐसे झूल के झूल के दर्द हो गया होगा पैर? नहीं, ठीक है, चल नहाने के बाद पार्ट टू। पहुँच गए हम लोग शिवा ढाबा। जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे हम सबको यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगी थी, इवन खाना भी बहुत अच्छा था। तो दीपिका ने तभी बोल दिया था कि इस बार फिर जाकर वहाँ पड़ेगा तो हम शिवा ढाबा जरूर जाएंगे, वहीं खाएंगे, राइट? तो चलो। हाँ जी, तो क्या खाएंगी आप? यार यहाँ की चाय बड़ी मस्त होती है, और अभी यहाँ पे ना मुझे दिख गया है एक अच्छी चीज़, ये देखिए गरम गरम दूध। अभी कुछ खाने के बाद गरम गरम दूध तो बनता है, क्यों दीप्ति तुम पियोगी? नहीं अंकित, तू पिएगा? तो भी नहीं पिएगा है, चल नहीं पी सकती। अच्छा ऑर्डर कर दो नाश्ता, ये रहा मेन्यू, क्या खाना है बताओ? साइज का आएगा, वो तो बोलता घर के साइज का तो बड़ा है, अब इतना बड़ा पराठा आ गया। आलू खा रही हो तुम? क्या खाऊं और? हां क्या खाऊं और बताओ? चाय पराठा नहीं खा रहे? नहीं वाइट मक्खन मक्खन खा लो, दही खा लो, मक्खन खा लो, दही खा लो। प्याज है, ये तो खा ही सकती हूँ। ये आ गई है हमारी चाय, और ये है हमारा पराठा। थैंक यू भैया जी, क्या नाम है आपका? भोला। थैंक यू। तो हो गया खाना, मैं चश्मे क्यों निकाल रहा हूँ यार, मैंने खाना खा लिया है, कैसे टेबल में कैसा हो जाता है। हो गया नाश्ता, हो गया, अभी ये भी खा रही है, और हम पियेंगे गर्म दूध। अभी गर्म दूध मंगाया है और वो पियेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। थैंक यू। क्या मलाई डाली है? तो हो गया हम लोग का नाश्ता, अब हम चले पटियाला। एक्चुअली इस बार की जर्नी थोड़ी टायरिंग होगी ना, एक्चुअली बैक टू बैक हो गया ना, ट्रेन और फिर उसके बाद फॉरेन कार, आराम का मौका नहीं मिला। तो अभी हमने स्टोरी डाली है कल्ब के पेज पे कि हम सोच रहे हैं कि 14th को हम टाइटल रिवील करें, और वहाँ पे मैंने एक पोल रखा है, तो अभी तक तो बहुत यस ही आ रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि यस ही आएंगे। और तो चलिए मैं आपको थोड़ा और हिंट दे देती हूँ, हमारा गाना प्यार सेलिब्रेट करने के बारे में है, तो प्यार के दिन पे वो तो आना ही चाहिए, तो जल्दी जल्दी हाँ हाँ डालो ताकि ये मान जाए। नहीं, अभी तक जिस हिसाब से पोल जा रही है 98% लोग यस बोल रहे हैं, तो और अभी देखते हैं, अभी 24 आवर्स बचे हुए हैं उसके बाद। तो बस अभी हम पहुंच गए हैं पटियाला, ऑलमोस्ट अपने होटल जो है हम पहुंचने वाले हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा करेंगे आराम, और फिर बाद में इस ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। ये देखो तो फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, हमें मिल गए सब हमारे अपने लोग, तुषार धर्म तो हमारे साथ में आया था, शाइन दीदी एंड केतन। तो बस चलो अभी फिलहाल चाय पीते हैं, ज्यादा कुछ बातें नहीं करते। चलो यहाँ पे तो कुछ हिलाने का भी मन नहीं कर रहा, कब क्या करें। नहीं पूछ रहा हूँ, दो पैकेट डाला, क्या बात कर रहा है, कब लग रहा है? नहीं रहने दो, पहुंच गए होटल, सेट हो गए हैं, और एक चीज है आज आप सबको पता होगा, टेडी डे है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक छोटा सा एक टेडी भी लाया जाए और दीपिका को सरप्राइज किया जाए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी दीपिका नहाने गई है, तो मैंने बोला तुम नहाओ जब तक, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ नीचे से। और मैं और अंकित निकले हैं पटियाला की गलियों में टेडी ढूंढने के लिए। यहाँ कुछ एक दो किलोमीटर के आसपास आर्चीज है, तो वहाँ चलते हैं और लेके आते हैं, उसे सरप्राइज करते हैं। थोड़ी दूर वॉक करने के बाद हमें मिल गया रिक्शा और हम बैठ गए रिक्शे में, और ये बैठा है अंकित मेरे साथ में। हम आर्चीज ढूंढ रहे थे, लेकिन उससे पहले मुझे एक शॉप दिख गई जहाँ पे मुझे टेडीज दिख गया, तो मैं वहीं रुक गया और वहां से मिलूंगा टेडी दीपिका के लिए। हमें जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, और लकीली पास में ही मिल गई। अब जाके हम लेते हैं दीदी को। मेरे मन में आज डाउट आया था जब आपने बोला ना मैं नीचे जा रहा हूँ। बहुत क्यूट, थैंक यू। मेरे मन में आज डाउट आया था कि ये इसीलिए गए हैं। थैंक यू। मन में किस डाउट आ गया था? आपने बोला ना मैं आता हूँ नीचे जाके। एक तो सत्यवादी तो आप हो, नहीं बताते मैं नीचे जा। मुझे क्या पता, मैंने कहा चलो सरप्राइज कर देते हैं। बहुत क्यूट है, लकीली मिल गया पास में यहीं पे। मस्त है, हैप्पी एंडिंग। आपका टेडी मैं ये मैं बोलने वाला था। अरे तेरी की, तुमने ये क्यों दिया? हाँ जी, तो बज गए हैं। कितना टाइम हो गया अभी? 8:30 हो गया है, और अभी सारी एक्चुअली हमारा शूट है यहाँ पे। एक और सॉन्ग है, वो हमारा नहीं है एक्चुअली, हमारे प्रोडक्शन का नहीं है, तो हम उसमें एज एक्टर काम कर रहे हैं। और बस वो सारी अभी हमने लिया, जो भी उनका ब्रीफिंग थी वो सारी ली है। अब मैडम को लग चुकी है भूख, टेडी है इनके हाथ में। अब मैडम करेंगी कुछ ऑर्डर, क्या करोगी? पास से मत दिखा। अच्छा, ये लो। मैं करूंगी, देखती हूँ, चिटपुट काफी चीजें हैं वो करती है। और यहाँ पे मौसम अच्छा है, मैंने सोचा था कि शायद ठंड नहीं होगी, लेकिन जैसे ही सुबह ट्रेन में था मथुरा में, ट्रेन में तो डर गई थी यार मैं। बहुत ज्यादा इतना कोहरा था कि मैं, मेरे को ऐसे होने लग गया था कि क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करती है ना। तो रात में सब ठीक था, और जैसे ही हम सुबह 8 बजे हमारी आंख खुली मथुरा के पास, और देखो तो अरे कुछ दिख ही नहीं रहा, आपने क्लिप भी दिखी होगी पहले है। तो यस, ठंड है यहाँ पे अभी, और पंजाब की ठंड तो फिर आप समझते हैं कैसी है। दिन में नहीं है, लेकिन सुबह शाम बहुत अच्छी खासी है। चलो अभी खाना ऑर्डर करते हैं। yes. Good morning. Are you ready? ठंड बहुत है क्यों? अभी तो एहसास नहीं हो रहा, बाहर जाके पता चलेगा। धूप आएगी तो शायद कम लगे। तो हो गई गुड मॉर्निंग, और हो गए हैं हम दोनों रेडी। कहाँ जा रहे हैं हम? शूट पे। हम जा रहे हैं शूट पे, तो फिलहाल हम रेडी हो गए, और अभी हम नाश्ता करेंगे कुछ, एंड देन हम जाएंगे शूट पे। तो चलिए चलते हैं। क्या खा रही हो? हंसने की क्या बात है? नहीं, मैं ऐसे देख रहा हूँ आपको बस। मौसम है। हाँ तो खाओ। तो इसमें हंसने की क्या बात है? पगला गए हो। और निकालो। मेरे को समझ नहीं आ रहा जो ऐसे ही। क्या बोल रही हैं आप? देखो मैं ये कह रही हूँ कि चाहे जो हो जाए, शॉपिंग के लिए एक दिन निकालना बहुत जरूरी है। मैं इतना भी आपको बोल रही हूँ कि 3-4 घंटे काफी हो जाएंगे ना। इसमें अंकित और मैं एक पार्टी में होते हैं, अंकित भी हमेशा एक्साइटेड रहता है शॉपिंग के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी। 4 घंटे? हाँ हो जाएंगे। चलो ठीक है, 2 घंटे। चलो ना आपकी सुनी ना मेरी, जैसे वो भैया लोग भी बातें करते हैं, मैडम ना आपकी ना मेरी, चलो दो। तो पक्की बात, निकलते हुए शॉपिंग के लिए रुकेंगे और फिर निकल जाएंगे, ठीक है? पहुँच गए हम शूट लोकेशन पे। अब अपन बनेगा चश्मा, और अब हम करेंगे शूट स्टार्ट होने का वेट। मैडम भी यहाँ पे बैठ चुकी हैं। मैडम को लग रही है थोड़ी सी ठंड, बहुत ठंड नहीं है, नॉर्मल ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है। ये मैडम को थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है, बट कोई नहीं, पहली बार पंजाब आया हूँ मैं। तुम आ चुकी हो पहले? तुम आ चुकी हो? मैं फर्स्ट टाइम पंजाब आया हूँ पटियाला। ज़्यादा घूमने का मौका मिला नहीं है अभी, जैसे मैडम बोल रहे हैं कि शॉपिंग करेंगे तो फिर उस दिन थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल तो हम शूट करते हैं, तो बनता है शॉपिंग करना, ठीक है? तो गाइज अभी मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, और यहीं से मैं दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पहले उसको प्यार मिलकर रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है? मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।